सुख और पैसे के बदौलत उसको दबाना चाह रहा है, जबकि वो दबा नहीं पाएगा। जो है संगठन वाले इकट्ठे हैं, MLC के साथ हैं, तो सरकार के यहाँ तक तो हमारी आवाज जाएगी। अभी न्याय मिल रहा है, यानी पंकज के साथ भी वही एक्शन होना चाहिए था जो डॉक्टर सरकारी को होना मिलना चाहिए, यानी दोनों का केस दर्ज होना चाहिए। इसमें डॉक्टर के भी परिवार होंगे कहीं ना कहीं। अगर आज उन्हें पंकज कुमार की मिसेस को मारने की वो किया है, उनकी औरत के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आज उनके साथ कोई खड़ा नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उनके महिला को बिल्कुल सपोर्ट मिलना चाहिए और डॉक्टर को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। गोरखपुर में सिपाही पंकज को न्याय दिलाने के लिए अब MLC देवेंद्र सिंह अनशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके समर्थन में जो तमाम गोरखपुर के आम नागरिक या फिर तमाम वो संगठन जो है उनके समर्थन में उतर आए हैं। सड़कों पर अगर हम दिखाएं तो वो तमाम जो लोग हैं जो सिपाही पंकज को और डॉक्टर से न्याय दिलाने की बात की जा रही है, जिस तरीके से बीते दिनों ही और डॉक्टर के शिकार एक सिपाही पर होता है, उसके बाद गोरखपुर में ये मामला अब तेजी से और तूल पकड़ रहा है। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ इनके लिए लग रहा है। क्या नाम है भैया? विक्रम सिंह। क्या कुछ मांग दिलाना है सिपाही को? न्याय पंकज कुमार को न्याय मिलना चाहिए। हाँ। MLC साहब संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ। अच्छा, क्या लगता है कि अभी तक देरी किस बात की जा रही है? प्रशासन कर रहा है देरी। हाँ? प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है उसको पैसे और रसूख के बल पे। लगता है क्या कि ऐसे चीजें और भी गोरखपुर के और तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत है, लगभग हर जगह स्थिति यही है। और जब तक सिपाही को न्याय नहीं मिलेगा, माननीय MLC साहब के नेतृत्व में हम लोग संघर्ष करेंगे। संघर्ष जारी रहेगा एकदम? जी बिल्कुल रहेगा। बताइए, जब पुलिस का जवान सुरक्षित नहीं है तो आम जनता है, बताइए उसका क्या होगा? जो है तो से लगता है क्या कि आवाज प्रशासन शासन तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल, शासन तक आवाज पहुंच गई है, लेकिन डॉक्टर अपने रसूख और पैसे के बदौलत उसको दबाना चाह रहा है, जबकि वो दबा नहीं पाएगा। जो है तो ये है, डॉक्टर तो फिर से शुरू कर दिए हैं अपने काम, क्लिनिक पे बैठना काम। अब सर काम तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये है कि अब आगे देखिए। फिलहाल हम लोग अपने उद्देश्य में नेताजी के साथ हैं, जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग जो है आंदोलन करते रहेंगे। जो है न्याय नहीं मिलेगा तब तक सड़कों पर आप रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, सड़कों पर रहेंगे, जगह जगह जो है पब्लिक के बीच में रहेंगे, नुक्कड़ पे हर जगह हम लोग रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता है। जो है तो देखिए, सड़कों पर जो तमाम जो आम भी लोग हैं या आम या खास कुछ जो लोग हैं जो समर्थन में आए हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस सिपाही पंकज को न्याय मिलना चाहिए और पंकज को न्याय दिलाने के लिए हम तब तक लड़ेंगे जब तक उस सिपाही को न्याय नहीं मिल जाता। और भी लोग से बात करेंगे आगे, एक बार कोशिश करेंगे, थोड़ा आगे लिए चलते हैं, आपको कुछ और लोग हमसे बातचीत कर लेते हैं। और जिस तरीके से ये आप लोग सिपाही के समर्थन में हैं सर, क्या लगता है कितनी आवाज यहाँ तक सामने तक पहुँच सकती है? देखिए, सही बात है कि मैं भी सिपाही के ही समर्थन में हूँ और मैं राष्ट्रीय हिंदू महासभा का महासचिव हूँ, राष्ट्रीय सदस्य चंद्रभान मिश्र। कल से हम लोगों ने मीटिंग करके इस एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है और आज जो हमारे MLC श्री देवेंद्र प्रताप सिंह इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं उसके समर्थन में हम लोग आए हैं, क्योंकि उस सिपाही के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। दो सरकारी कर्मचारी हैं, एक को न्याय नहीं मिल रहा है, एक को अन्याय का भी न्याय मिल रहा है। यानी पंकज के साथ भी वही एक्शन होना चाहिए था जो डॉक्टर सरकारी को होना मिलना चाहिए, यानी दोनों का केस दर्ज होना चाहिए, दोनों के विषय में इंक्वायरी होनी चाहिए, सही तथ्य क्या पब्लिक को जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हम लोग ये देख रहे हैं कि डॉक्टर के पक्ष में सरकार यहाँ खड़ी है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि किसी को समर्थन नहीं देके न्याय मिलना चाहिए। और जो सिपाही को न्याय मिलने में इतनी देरी किस बात की हो रही है, क्योंकि वो भी एक पुलिस का जवान था और पुलिस को ही न्याय करना है? तो जी हाँ, इसमें जरूर यह दिखाता है कि वह जो डॉक्टर है कहीं ना कहीं से सरकार का सॉफ्ट कॉर्नर का पार्ट है, और कोई दूसरा वजह नहीं हो सकता है जिसके वजह से इतना राहत उनको मिला हुआ है। नहीं तो निश्चित रूप से साथ साथ एक्शन होगा। आप जानते हैं UP सरकार इसमें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है एक्शन के लिए, लेकिन यहाँ ये बात साबित नहीं होती है। अच्छा, यहाँ डॉक्टर पर सरकार की एक्शन सिस्टम फेल हो रहा है? बिल्कुल फेल हो रहा है, और ये दुर्भाग्य है, जबकि अभी एक डॉक्टर की घटना के लिए पूरा देश वाइड हम लोग देखें स्ट्राइक हुआ है, लेकिन आज उल्टा हो रहा है, कोई डॉक्टर भी उनके खिलाफ नहीं बोल रहा है, जबकि अन्याय के खिलाफ सबको बोलने का अधिकार है, बोलना चाहिए। क्या लगता है साहब, जिस तरीके से डॉक्टर के खिलाफ हाँ नहीं, डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। इस ढंग से जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है उसका हम निंदा करते हैं, और जो हमारे MLC साहब बैठे हुए हैं उनके धरने का हम समर्थन करते हैं।
तो यहाँ से कितनी आवाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँच पाएगी, शासन तक पहुँच पाएगी, उत्तर प्रदेश पुलिस के पहुँचेगी तक पहुँच? जनता हमारी पूरी इकट्ठा है, सारे संगठन वाले इकट्ठे हैं, MLC के साथ हैं, तो सरकार के यहाँ तक तो हमारी आवाज जाएगी, मतलब जाएगी आवाज वहाँ तक पहुँच पाएगी? बिल्कुल पहुँचेगी, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आश्वासन भी मिलेगा, पूरी आशा करते हैं कि न्याय मिलेगा, सिपाही को न्याय मिलेगा, सिपाही को न्याय मिलेगा, डॉक्टर के भी खिलाफ FIR दर्ज होगा और सिपाही को न्याय मिलेगा। अच्छा, देरी किस बात की हो रही है आपको? किस बात का लगता है कि क्यों इतना देर सिपाही को न्याय मिलने में हो रहा है? न्याय मिलने में ये है कि डॉक्टर अनु सरकारी जो है वो कहीं कहीं से सरकार से उनका बरद हस्त है, सिपाही छोटा होता है, उसका कोई सुनने वाला नहीं, यही है, सिपाही छोटा पद है और उनके पास तमाम पैसा है और डॉक्टर पर उनका तमाम, और भी लोग समर्थन में सड़कों पर है, दूसरी तरफ भी दिखाए कि MLC के समर्थन में तमाम जो समर्थक हैं वो अब चौराहे के इर्द गिर्द खड़े हैं, तमाम पुलिस प्रशासन के लोग खड़े हैं, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम एक मिनट बात करना चाहेंगे, आप भी समर्थन में आप लोग हैं, क्या लगता है? जी मैं राष्ट्रीय हिंदू महासभा भारत से हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम किरण देवी है और मैं पंकज के इससे में आके मैं उनके इसमें रैली में आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। अच्छा, एक महिला के सामने, एक बच्चे के सामने उसके आदमी को पीटा जाता है और डॉक्टर जिसे भगवान का रूप कहा जाता है, क्या लगता है क्यों नहीं डॉक्टर इसमें? डॉक्टर के भी परिवार होंगे कहीं ना कहीं, अगर आज उन्हें पंकज कुमार की मिसेज को मारने की वो किया है, उनकी औरत के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आज उनके साथ कोई खड़ा नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उनके महिला को बिल्कुल सपोर्ट मिलना चाहिए और डॉक्टर को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। आप लोग समर्थन में हैं पंकज कुमार के, सिपाही को न्याय कब तक इंतजार? इंतजार कब तक नहीं करेंगे, इंतजार के लिए बिगुल बजाएंगे, जन जन घर घर अलख जगाएंगे और क्रांति का बिगुल फूकेंगे, न्याय उसको मिलना चाहिए और न्याय मिलेगा इस विश्वास के साथ कि न्याय नहीं मिलेगा तो जनता सड़कों पर उतरेगी। और अब तो देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिन्होंने अपना इतिहास बनाया है न्याय के लिए, अन्याय के लिए वो जाने जाते हैं कि हम न्याय किसी अबला किसी दीन दुखी के साथ खड़े हो जाते हैं, उनको किसी सत्ता मोह माया कुर्सी का नहीं है, इसलिए देवेंद्र सिंह का इस न्याय पर कदम उठाने में हम लोग उनके साथ हैं, अखिल क्षत्रिय महासभा पूरा उनके साथ है, जनमानस उनके साथ है, यहाँ देख लीजिए आप किसी जाति विशेष और पंकज के एकलौते नहीं है, ये आम जनमानस की पीड़ा है, आम जनता की पीड़ा है और न्याय मिलना चाहिए। कानून ये कहता है कि अगर आपने मारपीट किया, दो लोगों ने किया, तो दोनों हिरासत में लिए जाने चाहिए, दोनों को जेल जाना चाहिए और दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चाहे कानून की कुर्सी पर वो किसी बैठा हो, कितनों बड़ा हो। तो जो तमाम लोग हैं सिपाही पंकज के समर्थन में आज सड़कों पर उतर आए हैं और गोरखपुर में ये ऐसी तस्वीर शायद पहली बार देखने को मिल रही होगी कि जिस तरीके से एक सिपाही को न्याय दिलाने के लिए, आप दोनों तरफ एक बार फिर से दिखा दीजिए कि तमाम जो लोग हैं अब वो समर्थन में खड़े हैं कि सिपाही पंकज को अब न्याय मिलेगा और सिपाही पंकज के तरफ से जो डॉक्टर की तरफ से जो अपराध किया गया है उसकी सजा कहीं ना कहीं डॉक्टर के ऊपर मिलनी ही चाहिए।